हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल त्रिशान एंड मॉम ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? इसके पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि बारात आ चुकी थी और बाकी का जो भी चल रहा था ना, जयमाला वगैरह हो गया था, उसके बाद द्वार लगी की तैयारी होनी थी। तो बस ये भंडार घर का कुछ क्लिप है मिठाइयों का, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलिए, अब जो दूल्हा को पान के पत्ता से सेका जाता है ना, द्वार लगाई किया जाता है, उसकी वीडियो आ गया है। तो सब लोग जा रहे थे घर से, और सबसे पहले ये वाली रस्म जो है वो मम्मी जी करेंगी, उसके बाद बुआ जी, फिर भाभी, मैं, सब लोग करेंगे। पर सबकी क्लिप लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, इसी वजह से छोटा जो भी मुझे लगा वो मैंने बना लिया। और ये रही मेरी मम्मी जी, जो चुंदरी ओढ़ करके तैयार थी अपने दामाद का गाल पड़ीचने के लिए। और ये रस्म भी बहुत अच्छे तरीके से हो गई थी। देखिए, मामी जी लोग, सब लोग, भाभी लोग, जितने भी लोग थे, सब लोग खड़े थे यहाँ पे ताकि गाड़ी आए और फिर ये रस्म किया जाए। और मम्मी जी सूप में, अपनी थाल में जो भी ज़रूरत का उस विधि में सामान लगता है ना, वो सब रखी हुई थी। अक्षत, दीप और थोड़ा सा, मतलब जो भी सब था वो सब मम्मी जी रखी हुई थी। और अब गाड़ी आ गई थी, और सबसे पहले सासू माँ ये रस्म करेंगी। और ये हमारा नया पूजा रूम था। तो जो भी बाराती में आया था ना, दौरा वगैरह, मौरी और जो भी था ना, सब कुछ यहाँ पे रख दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे दूल्हे को बैठाया गया था घर में परिचने के बाद। और ये ना एक रस्म थी, जैसे कि दुल्हन को बैठाया था और दुल्हन के बगल में किसी और को बैठाया जाता है और ढक दिया जाता है और पहचानना होता है कि दुल्हन Yeah, 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 y
बस अब चल रहा था शादी की, सब कुछ पंडित जी बोल रहे थे जो भी होता है ना, मंत्र वगैरह, और उसके बाद संखा पानी कन्यादान सब कुछ होगा। और सब लोग बहुत, मतलब सबकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि अपने घर की बेटी की विदा होती है ना। कहता है ना कि अपना जो जिगर का टुकड़ा है ना, वो कैसे कोई बाप दूसरे घर में दे देता है ना, वो सिर्फ एक माता पिता ही समझ सकते हैं। आप उधर बेदी से जहाँ बाहर होता है कि मंडपे पे सिंदूर कहाँ पड़ता है, मंडपे पे या बेदी आने वाला है ना, बड़े बड़े को भाई मिल सकता है। यहाँ पे ना साउंड मैं म्यूट कर दी थी, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे ना, तो फिर वीडियो देखते ही वही सब चीज़ें फिर याद आने लगती है और सब इमोशनल हो जाते हैं इस वजह से। और यहाँ पे जो दान होता है ना, कन्यादान, वो भैया और भाभी कर रहे थे, और बाकी जो भी संखा पानी में मेरे हस्बैंड थे, किट्टू, जितने भी बड़े लोग होते हैं ना, वो सब देते हैं संखा पानी में, तो वही चल रहा था और सबकी आंखें भरी हुई थी। और बस वही है ना, जैसे कि देखिए अपना घर छोड़ के जाना, मतलब ऐसा लगता है जैसे कलेजा फट रहा हो लड़कियों का। मेरा ऐसा मानना है कि जो लड़के वाले होते हैं ना, उनको तकलीफ़ नहीं होती है, क्योंकि उनको ये एहसास ही नहीं होता है कि कोई लड़की अपना घर छोड़ के मेरे घर में आ रही है। जैसे मेरे भी घर में भैया की शादी हुई थी, तो हम लोग को वो चीज़ एहसास ही नहीं हुआ था। तब सब हंसते गाते अच्छे से शादी चल रहा था, बस जब भाभी का विदाई हो रहा था तब हम लोगों को थोड़ा सा रोना आ रहा था, लेकिन वो चीज़ हम लोग फील नहीं कर पाते। पर जब मेरी शादी हुई थी, तो वो एक पल पल जो होता है ना, कि जो लोग अपनी बेटी देते हैं ना, उनके आँखों में जैसे ही शादी की तैयारियाँ शुरू होती है ना, वैसे ही आंसू आना शुरू हो जाते हैं, और वो दर्द सिर्फ बेटी के घर वाले ही समझ सकते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि हम समझेंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं समझ पाते हैं। तो बस इसी तरह, और ये यहाँ का नहीं, हर जगह का ही है कि बेटी वाले के घर में बहुत खुशी होती है कि भाभी आएंगी भाभी आएंगी, और लड़कियों का घर, मतलब बेटियाँ विदा होने के बाद घर इतना सोना कर देती हैं, और जो लड़के वाले होते हैं उनका घर तो भर जाता है बहू के आने से। तो बस वही चीज़ है, जो दर्द है ना, वो एहसास शायद एक बेटी और उनके माता पिता और उनके घर के लोग ही समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। लोग खुश रहते हैं कि मेरे घर में तो पत्नी आ रही, बहू आ रही है, सब खुशी से रहते हैं ना, बहुत खुश रहते हैं। लेकिन जब बेटी या जिस घर से जाती है ना, वो घर सूना हो जाता है। और कहते हैं ना कि ऐसे भी, मतलब
बस यही सब चीज़ें हैं। बहुत इमोशनल मोमेंट था विदाई, इतना मतलब सब लोग तो हर घर में जिसकी भी बेटी जाती है बहुत रोता है, पर इस घर में भी सब लोग इतना रोए इतना रोए, मतलब वो मोमेंट दोबारा भूल नहीं सकते हैं कभी भी। और विदाई का एक भी क्लिप का जो वीडियो होता है ना, वो हम लोगों ने नहीं बनाया, क्योंकि उस टाइम वीडियो बनाने का तो कोई सोच ही नहीं सकता। बस ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कुछ छीन के हमारा जा रहा हो, और इतना दर्द होता है ना, वो तो बस एक लड़की जो कि घर छोड़ के जा रही है वो समझ सकती है, और दूसरा उसके घर वाले समझ सकते हैं। और शायद ज़िंदगी भर वही होता है, लड़कियाँ मतलब नहीं, लोग नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पे सिंदूर देने के लिए बैठाया जाता है ना बेदी में, तो वही सिंदूर वगैरह अब दुल्हन को पड़ेगा। तो उसके पहले जो भी पंडित जी बता रहे थे वो सब रस्म चल रहा था, और उसके बाद हमारे घर की खुशबू जो है वो पड़ाई हो जाएगी और अपने ससुराल वालों का घर भर देंगी। वैसे तो बेटियाँ पड़ाई नहीं होती है, पर एक कहावत है ना कि बेटियाँ तो पड़ाई ही होती है, जब जन्म लेती है तो इतनी जल्दी बड़ी हो जाती है ना, और फिर उड़ जाती है जैसे अपने घर से, क्योंकि मैं भी किसी की बेटी हूँ, मुझे भी पता है। और बस यही सब चीज़ें हैं, लेकिन ये सब बातें बताना बहुत मुश्किल होता है। और ये सब जो भी चीज़ मतलब लड़कियों का खुशी देखिए, हर माँ बाप इस पल का इंतज़ार करता है कि कब मेरी बेटी की शादी हो और मैं धूमधाम तरीके से अपनी बेटी की शादी करूं। पर वो जो पल होता है ना, जब वो दिन आ जाता है ना, तो वो दिन बहुत कठिन होता है बिताना, कि और वो सच्चाई अपने आप को बताना कि अब मेरी बेटी जो है वो किसी और की घर की बेटी बनने वाली है। क्योंकि उस दिन से ना माँ बाप का जो हक होता है ना, वो कम हो जाता है अपनी बेटियों पे। कहने को तो जैसे सब कहते हैं कि नहीं आपका पूरा हक है, पर वो हक वो दे नहीं पाते हैं, कोई भी हो कोई नहीं दे पाते हैं, बस कहने के लिए हो जाता है। बहुत बार ऐसा सिचुएशन आता है कि लड़कियाँ मतलब देखिए, ऐसे भी शादी के बाद ससुराल और मायके में लड़कियों को ससुराल ही चुनना पड़ता है, क्योंकि अब हमें बचपन से यही सिखाया जाता है ना कि हमारा घर अब वही है जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। तो बस यहाँ पे जो भी चल रहा था देखिए। Thank you.
बस ये सब जो भी चल रहा है ना, ये भाभी हैं और वो मेरे हस्बैंड ऐसे खोइचा में देते हैं ना, वो दे रहे थे। और आज का जो भी था ना, वो भैया भाभी ही दान वगैरह सब कुछ उन्हीं लोगों ने किया है। अब यहाँ पे ना दुल्हन को सिंदूर लगता है, उसके लिए आँख ढक दिया जाता है, और फिर बुआ जी जो भी ये करती है ना पटफराई की रस्म, वो कंघी करती हैं, बीच मांग पारती हैं, उसके बाद सिंदूर पूरा माथे में घी लगा करके डाला जाता है। और इस तरीके से ना धोती से देखिए मुंह ढक दिया जाता है ताकि इधर दिखे ना। तो बस इसी तरीके से चल रहा है। और यहाँ पे पंडित जी बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पे ये सब कुछ जो भी विधि था ना वो सब करना था रोशन जी को, फिर वो उसी तरीके से कर रहे थे। उसके बाद दुल्हन की मांग अब सजने वाली है सिंदूर से, और जिस पल का इंतज़ार होता है ना वो बस पल अब आने ही वाला है। और हमारी खुशबू रानी जो है एक बस इस घर की बेटी से बहू बनने वाली है, बेटी से बहू तक का सफ़र उनका अब शुरू होने वाला है। बाकी अब उतारने विधान करो।